हम आपको चैनल के माध्यम से उस माँ के दूध के सुगंध खा कर बोलता हूँ कि किसी प्रकार का यदि कोई ऑफर आए कुछ आए, हम इस 2000 के पेट पर लात मार करके अपना मौत मंजूर है, लेकिन हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। आप इमोशनल क्यों हो गए इस बात पे? आप ये सवाल पूछ दिए जो हमको अच्छा नहीं लगा, मैंने अच्छा इसलिए कि ऐसा हम कभी नहीं सोचे हैं ना कर सकते। 2000 को मार के अपना पेट कभी नहीं भर सकते, हम 2000 के मार कर अपना पेट कभी नहीं भर सकते, चाहे इसके लिए हम मरना पसंद करेंगे। उस माँ के दूध का सुगंध कहते हैं कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हमको गलत साबित करने का प्रयास किया जाता है, आप एग्रीमेंट करके आए हैं, आपको कुछ नियम कानून में लिखा नहीं है, आप ए उपद्रवी जैसा कर रहे हैं, आंदोलन करने का सही समय नहीं है, सही तरीका नहीं है, इन प्रकार एक जो साइकोलॉजी बोले प्रेशर बनाने के लिए इंडायरेक्ट रूप से महसूस होता है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मैंने हमको अपराधी सिद्ध किया जाता है कि हम गलत समय पर आए हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम रांची के मोहराबादी मैदान में हैं। सहायक पुलिसकर्मी कई दिनों से यहाँ बरसात में टिके हुए हैं। विवेक जी दिखा दीजिए, इस वक्त जो है वो परेड हो रहा है, लोग निकले हुए हैं, काउंटिंग हो रही है। आप तंबू देख सकते हैं, बरसात में कई बार नीचे पानी आ जाता है, काफ़ी जो है कष्ट में रह रहे हैं। हमारे साथ इसे बात करने के लिए जो प्रदेश प्रतिनिधित्व, मतलब पूरा लीडर कह लीजिए, जो पूरे मोर्चा को संभाले हुए हैं, जब उनका मॉरल डाउन होता है तो बार बार ये माइक से अलाउंस करते हैं कि अपना मॉरल डाउन नहीं करना, हम न्याय जो है वो लेकर जाएंगे। हमारे साथ जो है विवेकानंद जी हैं। सरकार पर प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, या पड़ रहा है तो वो दिखा नहीं रहे हैं। आप लोगों के साथ क्या साइकोलॉजिकल गेम हो रहा है, मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है? आप बात लेके जाते हैं, अधिकारी कहते हैं कि हम बात पहुंचा रहे हैं, इतने दिनों तक आपकी बात ही नहीं पहुँच पाई है। ये साइकोलॉजिकल गेम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का गेम है, क्योंकि गांव घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, दाना पाना राशन पानी खत्म होगा, इन लोग भाग जाएगा। ये हमारे संवेदना के साथ खेल रहे हैं, गरीबी के साथ खेल रहे हैं, रोटी के साथ खेल रहे हैं, हमारा दर्द के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि आप जो साइकोलॉजिकल गेम खेल के वो मनोभूमि में हराने का सोच रहे होंगे, मद्दा है कि अनर्गल बयान दे के और इन प्रकार इनको कमज़ोर करके सच्चाई को दबा दें। सच्चाई कभी नहीं दब सकता है, सच्चाई को जितना दबाया जाएगा, सच्चाई जितना दबेगा उतना प्रखर होकर निकलेगा और एक उचित मंच तक जाएगा। सच्चाई परेशान हुआ है लेकिन पराजित नहीं हुआ है। आपका नीति गलत है, आपका नियत गलत है, उसके खिलाफ है। व्यक्तिगत हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप राजनीति कीजिए, प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, जो बनना है आपको सब मुबारक हो, लेकिन हमारा रोटी की लड़ाई, न्याय की लड़ाई में आपको सुनना होगा। आप चेहरा मोड़ ले रहे हैं, आप अनसुना कर ले रहे हैं, लेकिन अपना दिल जान रहा होगा, आपका दिमाग जान रहा होगा। हम लोगों ने मंत्रियों से बात की है, सबों से सुन रहे हैं, अंडर करंट है, लेकिन दिखावा है कि हमारा अंदर कुछ नहीं पड़ रहा है। कैंसर होता है ना तो लगता है कि ऊपर से 4 फीट है, लेकिन अंदर उसको सड़ते सड़ते बाद में पता चलता है कि उनको तो कैंसर है। तो अंडर करंट है, अंडर करंट होगा, उनको माथा का बोझा है, लेकिन जिस तरीके से इग्नोर मनमानेपन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए, गांव गरीब के लिए, रोटी के लिए, भूख के लिए अच्छा बात नहीं है। विवेकानंद जी, अगला सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे अब कि आपकी मांग क्या है। हम यहाँ लगातार आ रहे, कई वीडियो बना चुके हैं, हमारे दर्शकों को पता है कि क्या मांग है, वो आपके चीज़ों को समझ चुके हैं। मेरा सवाल ये है, आप लोग का क्या मॉरल डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं आप माइक के जरिए अपने, क्योंकि लीडर सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, लीडर ही अपने साथियों में ऊर्जा का संचार करता है, और कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं माइक से कहते हैं कि हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। क्या कभी लगता है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ हैं, तकलीफ में रह रही हैं, क्या उनको आपको दिखता है एक नेता होते, लीडर होते हुए, कि उनका मॉरल कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो रहा है और आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम तो न्याय लेकर रहेंगे? मॉरल आंदोलन में कहें तो ये उचित नहीं है। एक परंपरागत कह सकते हैं कि समाज के एक बड़ा वर्ग बहुत पहले से पिछड़ा रहा है, ये आज़ादी अंग्रेज काल हो या मुगल काल हो, उस जो पिछड़ापन का डीएनए में प्रभाव है उसका एक परंपरागत रूप से शरीर में आ गया है, तो उनको एक सच को सच बोलने में थोड़ा सा कतराते हैं। ये आंदोलन से नहीं है, ये परंपरा में
पिछड़ापन गरीबी का प्रभाव है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, भौगोलिक पिछड़ापन है, उसका प्रभाव दिखता है। आज यह जाग चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि जागे नहीं होते, समझे नहीं होते, तो घर परिवार छोड़कर ये भरी बरसात में भूखे प्यासे दुधमुहा बच्चा के साथ अपने आवाज़ को इस मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाने से एक इंच भी नहीं कतराते, एक इंच नहीं घबराते। तो इस अवसर अब था, एक समय था कि मोरल डाउन हुआ करता था, अधिकार के समय जानकारी नहीं था कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा हक क्या है। लेकिन समय बदला, शिक्षा मिला, जानकारी मिला। आज गांव के गरीब, आज जहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती वहां से सहायक पुलिस है, आज तक रोड नहीं पहुंची है। सारंडा के जंगल से चाईबासा के बच्चे लोग हैं, आज तक वहां तक पुलिस ने सरकार के कोई अंग नहीं पहुंचा है, वहां से सहायक पुलिस आया है। तो उनको भ्रम है कि आप 1950 से पहले के सोच रहे होंगे, चाहे 1800 1700 1600 ईस्वी के झारखंड के युवा सोच रहे होंगे। था एक समय, था पिछड़ापन था जिसके वो कतराते थे, लेकिन आज कुछ नहीं है। हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय आज़ादी के लड़ाई में यदि 1857 से 1947 तक इतने वर्ष लगे हैं देश को आज़ाद होने में, झारखंड को आवाज़ उठाए, भारत आज़ादी के बाद से झारखंड की लड़ाई शुरू हुई, 2000 में मिला, तो वही संस्कार में, वही संस्कृति में यहाँ के लोग बड़े पले बड़े सीखे समझे। विवेकानंद जी उस वक्त तो अंग्रेज थे, इस वक्त एक ऐसे नेता मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, आदिवासियों का मसीहा बताते हैं, बार बार 1932 का जिक्र करते हैं, खतियान का जिक्र करते हैं, वही आपके मुख्यमंत्री हैं। और जैसा आपके साथी ने बताया, क्या ऐसा है जितने लोग हैं सब 1932 वाले हैं, 1932 वाले हर कोई है इसमें? इनको 1908 वाले सब मिलेंगे, 1932 छोड़ दीजिए। अच्छा, और अगर 1908 के खतियान नहीं मिला तो आज वर्दी उतार के हाथ जोड़ के गांव चल रहे हैं। आप ये दावा कर रहे हैं उनकी 1932 से बात का कोई मिलेगा तो हम लोग आंदोलन ही खत्म कर देंगे? बिल्कुल, 1908 के आपको देंगे, 32 के देंगे। खतियान फरेब के बात नहीं है, यहाँ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स हो या अन प्रकार इनकी सोच हो, लेकिन न्याय और राजनीति दो अलग चीज है। राजनीति कीजिए जिसको करना है, लेकिन भूख और दुख से राजनीति मत कीजिए। आप भूख दुख से एक साथ खेल रहे हैं। आप विधानसभा गए, वहाँ हम भी आपसे मिले, बातचीत हुई, कल आपने सीमावास का घेराव करने की कोशिश की, एसपी ने आपको रोका, कहा कि हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं, तो आपकी बात पहुंच क्यों नहीं रही है? 15 दिन हो गए, क्या अधिकारी अब तक मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचा नहीं पाए, या आवाज़ पहुंच चुकी है हेमंत सोरेन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है? आवाज़ पहुँच चुकी है, उनके तरफ से बयान भी आ चुकी है, लेकिन वो केवल एक झुंझुना और दिखावा है। वास्तव में हमारा हक है कि जो आप बोलें उसको कीजिए। मानवाधिकार आई जी, अखिलेश झांसर का लिखित आश्वासन है, 60 दिनों के आपका सब मांग पूरा करेंगे। सचिव एडोडे गृह विभाग लिखित आश्वासन है। कब ये आश्वासन मिला है आप लोगों को? 2021 के बाद बोल रहा हूँ, 60 दिनों के अंदर कंधे पर अशोक स्तंभ लगा करके जो आज देश के सर्वोत्तम पद पर हैं उनको लिखित झूठ बोला है। अब बताएं इसमें लिखित, जब अशोक स्तंभ लगा कर आप लिखित रूप से झूठ बोलते हैं तो राज्य की जनता, राज्य के युवा किस पर विश्वास करे? ये एकमात्र पैसा वेतन की बात नहीं है, एक न्याय का भी बात है, सच्चाई का बात है, पारदर्शिता की बात है, ईमानदारी की बात है, कर्तव्य की बात है, और रोटी भूख दुख की बात है। ये सब घोर लाग लोक लाज घोर के पी गए हैं, लेकिन आप बेलगाम हैं, लेकिन लगाम कसने का काम हर युग में धरती ने पैदा। विवेकानंद जी एक पर्सनल सवाल होगा आपसे, लेकिन सवाल पूछेंगे, आप इसका बुरा नहीं मानिएगा जी, नहीं मानेगा। एक नेता पे सारी जिम्मेदारी होती है, क्या आपके पास किसी का फोन कॉल आया, क्या डील होने की कोशिश हुई? क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को चाहें तो मोल्ड कर सकते हैं, लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, इतनी संख्या में एक बार कहते हैं कि आइए परेड करने के लोग आ जाते हैं, आपके आपकी बात को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं, तो किसी भी पक्ष से क्या किसी तरह की आपकी बातचीत हुई है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दबाव की बात हो, डील करने की कोशिश हुई? कि मेरा मुझे लगता है सहज सवाल आता है, नेताओं कई बार आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन जो है उसके मुख्य नेता की वजह से जो है वो ख़राब हो जाता है, क्या इस तरह का कोई सिग्नल आपको मिला है कि कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश की जा रही है? मनोवैज्ञानिक दबाव में बोलेंगे कि कुछ मीटिंग वगैरह होते हैं तो ये बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से दर्शाया जाता है कि आप गलत हैं, हमको गलत साबित करने का प्रयास किया जाता है। आप एग्रीमेंट करके आए हैं, आपको कुछ नियम कानून में लिखा नहीं है, आप
उपद्रवी जैसा कर रहे हैं, आंदोलन करने का सही समय नहीं है, सही तरीका नहीं है, इन प्रकार एक जो साइकोलॉजी बोले प्रेशर बनाने के लिए इनडायरेक्ट रूप से महसूस होता है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मैंने हमको अपराधी सिद्ध किया जाता है कि हम गलत समय पर आए हैं, गलत तरीका अपनाए हैं, आप ये सही तरीका नहीं है, आप लिख के आए थे, आप पढ़ के आए थे, दुनिया जहां जो भी उनको समझ में आता है वो बताते हैं। ये बात हम थोड़ा महसूस करते हैं, लेकिन दो बार हम लोगों भी आंदोलन कर चुके हैं, एक बार बुड़बक बना दिए, दो बार बुड़बक बना दिए, तीसरा बार तो आपको बुड़बक बनाने का कोई विकल्प नहीं है, आप जो बोलना है तरीका फरीका दिस दैट नाम लिफा बोलिए, लेकिन उस सब कहीं कुछ नहीं है। और सेकंड बात, हम आपको चैनल के माध्यम से उस माँ के दूध के सौगंध खा कर बोलता हूँ कि किसी प्रकार का यदि कोई ऑफर आए कुछ आए, हम इस 2000 के पेट पर लात मार करके अपना मौत मंजूर है, लेकिन हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। आप इमोशनल क्यों हुआ इस बात पे? आप ये सवाल पूछ दिए जो हमको अच्छा नहीं लगा। मैंने अच्छा इसलिए कि ऐसा हम कभी नहीं सोचे हैं, ना कर सकते, 2000 को मार के अपना पेट कभी नहीं भर सकते। मतलब उन लोगों का जो भरोसा है, इसलिए हम आपने पूछा सवाल। कई बार ये कोशिशें होती हैं, कई बार डाउट भी होता है, तो आप मतलब ये करें कि 2000 लोग जो हमें भरोसा कर रहे हैं, जिनसे आस्था जुड़ी, हम उनके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेंगे और कभी प्रभाव में आ ही नहीं सकते हैं। हम 2000 के मार कर अपना पेट कभी नहीं भर सकते, चाहे इसके लिए हम मरना पसंद करेंगे, उस माँ के दूध का सौगंध कहते हैं, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। चलिए, इमोशनल हो गए। तो मेरा ये एक पर्सनल सवाल था आपसे, है ना, और ये हम फिर आपसे ये पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, आप लोग जो करने जा रहे हैं, क्या सरकार पर दबाव पड़े, एक नेता के तौर पर फील कर रहे होंगे, आप हिम्मत बढ़ा रहे हैं, सच बात है, लेकिन आपको इंटरनली वो फील हो रहा होगा, तो आगे की रणनीति आप लोग की क्या है, कैसे अपनी बात मनवाएंगे? जो सरकार लगातार मूल निवासी की, आदिवासी के रहनुमा होने की बात करती है, उस पर इम्पैक्ट होता नहीं दिख रहा है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहां महिलाओं के गोद में छोटे बच्चे हैं, 6 महीने के हैं, बारिश में रह रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, लेकिन असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो और एक सवाल और इसमें ऐड कर देंगे, क्या आपको लगता है वो ये सोच रहे हैं कि संख्या कितनी है, 2500 है, 5 आदिवासी सीट वो जीत लिए हैं, तो कई अधिकारी जाते हुए कहते होंगे सर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चिल्लाएंगे आवाज उठेगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोकसभा चुनाव तो हम जीत ही गए, सर्वे रिपोर्ट बता रहा है पक्ष हमारे माहौल में है, तो क्या इस तरह की बातें चल रही, क्या कर लेंगे 2500 हमारे, कितना वोट का नुकसान कर बैठेंगे? अगर ये दिमाग में उनका चल रहा है, अगर नेता अगर जी सुन रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनको? एक स्टैंड आपका वाजिब है कि 2000 क्या कर लेंगे, लेकिन लोकतंत्र और जनतंत्र में किसी ने कहा है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। हमारे परंपरा में शामिल है रामराज, एक प्रजा के कहने पर राजा ने पत्नी को छोड़ दिया, तो अगर वो सोचते कि एक प्रजा के बोलने से क्या हो जाता, लेकिन वो राज को ठुकरा दिए, तो उससे हम सीखते हुए कहेंगे कि हर काम अगर वोट बैंक से हो, संख्या बल से हो, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। तो भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा, आपको योग्यता को सम्मान देना होगा। भीड़ तो गाय जानवर सब हैं, उनको भी वोटर आईडी कार्ड बना के गिनती करवा दीजिए कि मेरा बैल इतना, मेरा गाय इतना, हम सरकार बना लेते हैं। ये एक उचित लोकतंत्र के लिए नहीं है, उनको योग्यता देखना होगा, उनको भूख देखना होगा। अगर गांव में कोई, अब देश में पारसी समाज है, वोट बैंक में हम जहां तक पढ़े सुने समझे संख्या कम है, तो क्या पारसी समाज के आंसू सरकार, भारत सरकार, झारखंड सरकार नहीं पूछेगी? मतलब हम आपकी बात समझ गए, आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, संख्या भले ही हमारी कम हो, लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है, जैसे आप आदिवासी मूल निवासी के रहनुमा बनने की बात करते हैं, तो अगर परसेप्शन बनेगा ये सारे लोग 1932 वाले हैं, अधिकतर आदिवासी हैं, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, 7 साल से 10,000 की सैलरी पर है, शहीद होते हैं तब कोई जो है पुरस्कार नहीं मिलता है, दिव्यांग हो गए फिर सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। एक सवाल मेरा अंतिम होगा आपसे विकरण जी, राहुल गांधी लोकसभा में अग्निवीर पर खूब बोल रहे हैं, इतना पैसा नहीं मिलता है, शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, और अग्निवीर पर सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जो है वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, जो सही अपनी जगह है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में सहायक पुलिसकर्मियों को परमानेंट कर दिया, कांग्रेस की सरकार झारखंड में है, यहाँ पर क्या कांग्रेस नेताओं से आपने बातचीत की, तो क्या ये बात रखा कि आप लोग अग्निवीर के नाम पर देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये बात उठा रहे हैं, और झारखंड में आप लोग मजबूत गठबंधन में होते हुए हमारी हालत तो अग्निवीरों से भी बदतर है, क्या आपने ये सवाल तो मुझे लगता है वाजिब उठाया होगा?
हम लोगों ने उनके प्रवक्ता से बोला, अभी माननीय जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय झारखंड में, उनसे भी बोला राजेश ठाकुर जी की, हमारे प्रतिनिधि लोग गए थे कि सर आप डबल स्टैंड अपना करके अग्निवीर का विरोध करते हैं और अग्निवीर यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसका आप एक पक्ष बोलिए, या तो समर्थन कीजिए या तो विरोध कीजिए, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टैंड है, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विपक्ष के काम है विरोध करना और सत्ता के पक्ष के काम है काम करना। सहानुभूति किसी को नहीं है, बस अपनी राजनीति चमकानी है। बोलते नहीं है कि चलनी में छेद है तो सूप के दूसते ही, मतलब हमारे पलामू के मगही में कहावत है, चलनी दूसरे सूप को इसमें खुद छिहत्तर भेद। तो वही भावना है कि मान लीजिए कि अब संसद भवन का निर्माण अभी बीजेपी की है, झारखंड विधानसभा का निर्माण बीजेपी की, तो अब उसमें जेएमएम गठबंधन नहीं बैठेगी, वहाँ सत्ता में आएगी तो नहीं बैठेगी, ऐसे थोड़ी होता है। अरे वो राज्य के संपत्ति है, हम लोग राज्य के संपत्ति है, किसी पार्टी के संपत्ति नहीं है, हम राज्य के लिए हैं, राज्य के जन्मे हैं, राज्य में पले हैं, राज्य के लिए सेवा देंगे। हम हेमंत सोरेन के घर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जब तक मुख्यमंत्री है जब तब उनका है ख़त्म, तो हमारा सरकार में ड्यूटी, हम समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए ड्यूटी करेंगे, सही होगा तो समाज समाज के लिए होगा, गलत होंगे तो समाज सजा देगी, वो कुछ नहीं, एक पद है, पद का सम्मान है, पद का सम्मान होना भी। क्या ये विश्वास आपको अंदर से है कि जाएंगे तो हम न्याय लेकर जाएंगे? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, 7 सालों से जो कष्ट झेला है, जो भूख दुख झेला है, यही उम्मीद में सारा लगभग एज निकल गया, तो अब हम न्याय नहीं लेंगे तो आने वाले समय में क्या जवाब देंगे कि जब जवानी था तो आप सो रहे थे, बुढ़ापा में क्या खाने के लिए कौन देगा हमको? आज से 30-60 साल से 50 साल के होंगे तो जब हमारा कुछ है ही नहीं है तो किससे मांगेंगे? तो जवानी का जो जवानी है उसका उपयोग, जब जब जिधर जवानी चली है उधर सत्ता चला है। तो हमारे साथ जो हैं विवेकानंद जी हैं, जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, बीच बीच में कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि मंचों से अपने साथियों का उत्साह बढ़ाते हुए रहते हैं कि हमें जो है टिके रहना है और हम न्याय लेकर जाएंगे और लगातार सरकार तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हम भी लगातार मोहरवा दिया जाते हैं और आपने तमाम वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ हम इनके रिएक्शंस, इनके जो मनोभावना है, परेशानियाँ, वो लगातार आपसे साझा करते रहते हैं। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।